हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल रसोई का जादू को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस जल्द से जल्द पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसोई का जादू में। आज मैं बिहार का फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बिहार में बहुत ही पसंद किया जाता है, तो इसका नाम है महुआ का पूरी। इस पूरी को बिहार में बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। देखिए, इसे ही महुआ कहते हैं। ये दिल्ली में आपको शायद ही देखने को मिलेगा, ये बिहार में ज़्यादातर पाया जाता है। इसे बिहार के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। ये थोड़ा गर्म होता है, तो इसे ठंड या बरसात के मौसम में ही बनाकर खाया जाता है। तो चलिए देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से धोएंगे। तो हमने एक पतीले में पानी लिया है और महुआ को उसमें डाल करके अच्छी तरह से हम 5 से 6 बार धोएंगे। इसे धूप में सुखाया जाता है, तो थोड़ा धूल मिट्टी पड़ जाता है, तो अच्छी तरह से धोएं ताकि इसका सारा धूल मिट्टी निकल जाए। देखिए, इसे हाथों से मसल मसल करके अच्छी तरह से धोएंगे। देखिए इसका पानी कितना गंदा दिख रहा है। जब तक इसका पानी साफ ना हो जाए, इसे हम धोते रहेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से पतीले में पानी लेकर फिर से हम धोएंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम एक पतीले में डाल देंगे। और डाल करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसके बराबर हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ऐसे हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। आप चाहे तो पूरी रात भी इसे भिगो करके रख सकते हैं। देखिए, 3 से 4 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे भिगो करके रख दिया था। अब महुआ हमारा फूल गया है, नरम हो गया है। अभी से हम मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में जल्दी पीस जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके अब इसमें जो पानी है वो भी हम थोड़ा सा डाल लेंगे, ताकि ये बारीक पीसे। देखिए, सारे महुआ को हमने पीस लिया है। अब ये हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है। महुआ थोड़ा हल्का मीठा होता है, तो उसमें गुड़ डालने से पूरी उसका मीठा हो जाता है और अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं गुड़ के जगह। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे गुड़ में, ताकि गुड़ हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पिघल जाए उसमें। देखिए, ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। आटा मैंने महुआ के हिसाब से ही लिया है। आटे में हमने महुआ और गुड़ का घोल जो बनाया था वो डाल दिया है। ये क्लिप में आप लोगों को नहीं दिखा पाई। अब आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपका आटा गीला लग रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा गेहूं का आटा और मिला सकते हैं। अगर सूखा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से गूँथ ले, जैसे कि हम पूरी का आटा गूँथते हैं उसी तरह से हमें गूँथना है। महुआ का आटा गूँथने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे तभी आपकी पूरी जो है फूली फूली बनेगी। तो गुड़ वाली कटोरी में ही हम पानी ले करके आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को हमने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे सेट होने के लिए। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम सूखा आटा ले लेंगे और हाथ में लगा लेंगे, और आटे से हम बड़ा सा लोई तोड़ लेंगे। और तोड़ करके देखिए इसे हम रोल की तरह बनाएंगे। इस तरह से बनाने से लोई जल्दी बन जाती है और पूरी भी जल्दी जल्दी बन जाएगी। अब इसे हम गोल शेप में बना लेंगे। इस लोई को हम पूरी से थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाएंगे। इसे हम थोड़ा सा हल्का सा मोटा बनाएंगे जो पूरी हम बनाते हैं। देखिए, मैंने 4-5 लोई बना लिया है। अब हम चकला और बेलन ले लेंगे और लोई में हम सूखा आटा लगाएंगे और लगा करके इसे हम पूरी की साइज के बेलेंगे। इसे हमें पूरी से थोड़ा सा मोटा बनाना है, तो लोई भी हमने उसी हिसाब से लिया है। देखिए, एक पूरी को हमने बेल लिया है। उसी तरह से हमने सभी पूरियों को बेल लिया है। अब हम गैस पर तवा रखेंगे और गरम होने देंगे। देखिए, तवा हमारा गरम हो गया है। अब उस पर हम पूरी डाल देंगे और डाल करके इसे हम हल्का हल्का सेकेंगे।
देखिए पूरी हमारी एक तरफ से सिक गई है, अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हम सिकने देंगे। दूसरी तरफ से भी पूरी हमारी सिक गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए पूरी को हमने कैसे हल्का हल्का सेका है, इसी तरह से हम सभी पूरी को सेक लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और गरम होने देंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसे भी गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, मैं आपको दोनों तरीके का पूरी तल करके दिखाऊंगी। तो ये पूरी जो मैं डाल रही हूँ इसे मैंने तवे पर सेका नहीं है, अब इसे हम एक तरफ से फ्राई होने देंगे पूरी को। ये पूरी तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए एक तरफ से पूरी हमारी फ्राई हो गई है, अब इसे हम पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। देखिए दोनों तरफ से पूरी को हमने उलट पलट करके फ्राई कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हमने जो तवे पर पूरी सेक लिया था उसे डालेंगे और एक तरफ से फ्राई होने देंगे। इस तरीके से बनाने से तेल थोड़ा कम लगता है और पूरी भी जल्दी बन जाती है। तो मैंने दोनों तरीका आपको बताया है, जो तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से पूरी बना सकते हैं। अब इसे हम पलट देंगे और पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। देखिए पूरी को हमने उलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए पूरी हमारी कितनी फूली फूली बनी है और बहुत टेस्टी बनी है, और इसी तरह से बचे हुए पूरी को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए महुआ की पूरी हमारी बनके तैयार है। महुआ की पूरी बहुत ही टेस्टी बनती है, इस पूरी को आप बना करके 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये पूरी जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर आपको हमारी महुआ की पूरी की रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।